Pain, pain. Ano yung hospital ka? Hindi mo? तो अभी हम दर्द के बारे में सीखेंगे. कभी दर्द होता है गुजरात के लोग? कभी दर्द होता है? तो दर्द से क्या फायदा होता है वो सीखना है. दर्द से फायदा होता है? सबसे पहले आप लिखिए बाद में समझा दूँ. Pain forces us to look to the word of God for answers. दर्द हमें जबरदस्ती करता है. दर्द हमें जबरदस्ती करता है प्रभु के शब्द में देखकर उत्तर पाने के लिए. प्रभु के शब्द में देखकर उत्तर पाने के लिए. दूसरा, pain forces us to lean on the arm of God. Pain forces us to lean on the arm of God instead of men. Pain forces us to learn where we went astray. Hindi mein wo mujhe dekh rahi hai, unko dekh ke mujhe samajh mein aaya maine galti ki. Jis roop se wo dekh rahi thi us roop se mujhe pura sharminda kar diya. मेरी गलती हो गई, माफ कर देना. दर्द मुझे जबरदस्ती करता है लोगों पर विश्वास नहीं करने बल्कि प्रभु में विश्वास करने. दर्द मुझे जबरदस्ती करता है लोगों पर नहीं बल्कि प्रभु पर विश्वास करने. Pain forces me to learn where I went astray. दर्द मुझे जबरदस्ती करता है सीखने के लिए जहां मैं प्रभु से दूर गया. Pain forces me to long for God's presence and healing. Pain forces me to long for God's presence and healing. दर्द मुझे जबरदस्ती करता है प्रभु की प्रेजेंस को क्या बोलते हैं उपस्थिति और चंगाई के लिए, चंगाई पाने की. नेक्स्ट वन, pain forces me to listen For changes in God's instructions. दर्द मुझे जबरदस्ती करता है सुनने के लिए अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए, अपने जीवन में बदलाव लाने के लिए प्रभु के नियम द्वारा, प्रभु के नियम द्वारा. Pain forces me to love.
pain forces me to love wherever there is hatred. That mujhe जबरदस्ती करता है प्रेम करने जा होता है नफरत जा होता है नफरत प्रेज द लॉर्ड। अरे सबसे पहला बात यह है ये दर्द अच्छा है कि बुरा है? जिसने बोला अच्छा हाथ ऊपर करो मैं प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आपको बहुत दर्द दे। जेनेस अच्छा दर्द कभी होता है? अभी हमारे पास डॉक्टर तो है, डॉक्टर जब जब इंसान में दर्द होता है तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। दर्द हुए बगैर कभी डॉक्टर के पास पूछते और डॉक्टर को बोलते हैं मेरे पेट में दर्द है, मेरे छाती में दर्द है, मेरे पीठ में दर्द है, फिर डॉक्टर आपको इधर एक्सरे निकालने बोलती है ऐसा सब, तो अंदर उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, फिर पता चलता है अंदर कुछ लफड़ा है। तो दर्द कब होता है? जब अंदर कुछ डिसऑर्डर है, कुछ डिसऑर्डर होगा तब दर्द होगा। सब कुछ सही है तब कुछ दर्द नहीं रहे, सही है? तो दर्द बड़ी समस्या आने के पहले सायरन बजाता है, चेतावनी सायरन बजाता है कि इशारा करता है, मतलब इशारा करता है कि अगर तुमने तुरंत बदलाव नहीं किया और उसी रास्ते से गया, ये दर्द तुमको पहले से बताता है कि अब तुम्हारा जिंदगी बहुत डिस्ट्रक्शन के पास है, तुमको इसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अगर अगर ये भय मुझे रोज सताती है, उदाहरण उदाहरण, ये भय मुझे रोज सताती है और मुझे रोज दर्द हो रहा है, क्यों? तो बदली किसको करना है? बदली किसको होना है? बदलना किसको है? आहा मुझको। देखिए देखिए देखिए, अभी डॉक्टर के पास में गया और मेरे को हाथ में बहुत दर्द हो रहा है, तो हाथ मेरी बीवी मेरे को लेके गई, दर्द किसको हो रहा है? मुझे। तो ऑपरेशन किसका होगा? बीवी का। क्यों? मुझे दर्द, तो ये मुझे दर्द दे रही है, तो दर्द किसको हो रहा है? तो किसको बदलना है? लेकिन हमारा दिमाग में क्या है, ये मुझे दर्द दे रही है इसके लिए किसको बदलना है? तो मेरा प्रार्थना हमेशा क्या है? हालेलुया। उदाहरण 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 जो दिस विल बी वेरी क्लियर। हालेलुया 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 हालेलुया। I started something. Example start नहीं किया ना, वही example मिल गया। Thank you Jesus. Don't matter, don't worry. It will come. Some other example will come. Praise the Lord. Hallelujah. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Hallelujah. Father, we thank you. We praise you. Hallelujah. Now, mil gaya. Tension nahi lena. Woh bichara pratha karta rahega. Hallelujah. Joseph ke ghar pe 11 bhai the. Barabar? Wo log usse nafrat kar rahe the. Joseph ko khila nafrat kar rahe the. लेकिन जोसेफ और दर्द लेके बैठा, उसको गुलामी में भेज दिया, रईस
खानदान का बेटा अब क्या हो गया? गुलाम हो गया। उधर बैठ के रो रहा था? नहीं, दर्द जरूर हो रहा है, लेकिन उसने अपने आप को तुरंत बदल दिया। बराबर है? अब जोसेफ की जगह पे हम रहते तो क्या करते थे? लेकिन वो अपने आप को तुरंत बदलते गया, और इसीलिए उसने क्या किया, छोटा गुलाम से वो कौन बन गया? मैनेजर बन गया। तो अगर मेरे जीवन में दर्द हो रहा है, तो ये दर्द मुझे क्या करता है? मुझे फोर्स करता है कि मुझे जाके देखना है कि बाइबल में इस दर्द का उत्तर क्या है। अभी उदाहरण, जो शादीशुदा रहते हैं, कोई है शादीशुदा यहाँ? अभी शादी अपने किया नहीं ना, टेंशन नहीं लेना मैं जो बोल रहा है, नहीं तो क्योंकि मैं जो बोल रहा है ना उसमें बोलेगा इतना भयंकर है मेरे को शादी ही नहीं करना, ऐसा नहीं। हेलो, अच्छा शादी में थोड़ा बहुत में होता है, साल में एक बार तो होता है, ताली भी बजाते हैं। हालेलुया। अच्छा, ये लफड़ा क्यों होता है? देखेंगे, तुतुमी में होता है ना, क्यों होता है? अभी हमने देखा है बाइबल में आदम था, प्रभु ने उसको पूरा गार्डन ऑफ ईडन दिया, सब कुछ दिया, सब कुछ देने के बाद भी वो उदास था। क्यों वो उदास था? क्योंकि वो अकेला। तो जिसका शादी हुआ है वो अकेला है? नहीं है। तो शादी किया मतलब अकेला नहीं है, तो अकेला नहीं है तो वो उदास होने का चांस ही नहीं है। अभी आपने बोला वो उदास था क्योंकि वो अकेला था। मैं तुमको पहले बोला ये लोग अभी बहुत कुछ बोलने वाले, सुनना नहीं। अच्छा, अगर कोई बोलता है कि आदम अकेला था इसके लिए उदास था, ये गलत है। अगर आदम अकेला था और उदास था तो हम भी अकेले, हम तो अकेले नहीं, हमारा लगन हुआ है तो हमारा, हम उदास नहीं हो सकते। मैं बराबर था, आदम उदास था क्योंकि आपका शादी हुआ है। आपने कोई शादीशुदा को देखा? किसी सूरत में कोई किसी का शादी नहीं हुआ है? हुआ है ना, वो सब लोग शांति में उदास। कोई लोग है ना, अभी ये प्रश्न पूछना, उदास क्यों है? आदम उदास क्यों था? क्योंकि प्रभु ने उसको उसके रूप में बनाया था। प्रभु ने आदम को किसके रूप में बनाया था? ईश्वर के रूप में। इसके लिए वो उदास था। एक मिनट में मेरा पूरा बात तो सुनो, मेरा आधा हो गया यार। लिखा है प्रभु ने आदम को उसके रूप में बनाया था, लिखा है, तो इसका मतलब आदम को प्रभु ने प्रभु के जैसा बनाया था, इसके लिए वो उदास था। इसके लिए उदास था रे, देख समझा नहीं। प्रभु कौन है? प्रेम है। बराबर, तो अगर प्रभु प्रेम है, प्रभु का प्रेम और इंसान का प्रेम में बहुत फर्क है। इंसान का प्रेम ऐसा है, कभी बाय चांस, कभी होता नहीं है लेकिन कभी हो गया कि हस्बैंड ने बीवी का बर्थडे भूल गया, कभी होता नहीं है, हो गया, मान लीजिए हो गया,
अपने वाइफ लोग बोल रहे क्या कभी होता है, हर साल होता है। और बीवी सवेरे सवेरे तैयार होके बैठी है कि मेरा पति विश करेगा, वो पेपर लेके चाय पीना गया काम में, विश नहीं किया, भूल गया, क्योंकि उसको याद ही नहीं ना। शाम को आया वापस टीवी देख रहा है, ये कर रहा है, बीवी यहाँ वहां पे घूम रही है, लेकिन इसके दिमाग में जाता नहीं है। और 12:15 बजे बीवी बोलती है, तुझे मालूम नहीं आज मेरा बर्थडे है। अरे प्लीज प्लीज सर, हाथ नहीं लगाना, हाथ नहीं लगाना, नजदीक नहीं आना। दूसरा दिन ये काम पे जाता है, बोलता है यार, दोस्त को बोलते यार मैं बहुत परेशान है, कल बर्थडे था यार मैं भूल गया, मेरी बीवी का बर्थडे था मैं भूल गया। तो दोस्त को देखे यार भूल गया यार, कोई टेंशन नहीं, घर तवा गरम है, कोई टेंशन नहीं, ठंडा कर सकता है, क्या सोने के दुकान में एक अच्छे का हीरा का अंगूठी छून ले, और जितना गुस्सा उतना बड़ा हीरा। तो वो छून के लेके आता है और बीवी को जाके हैप्पी बर्थडे बॉक्स देता है, वो इसी खोलती है, अच्छा मेरे को रिश्वत देता है, दे पकड़ के फेंक दे, है ना, 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 दे पकड़ के फेंक देती है। क्या बोलते हैं, लाया है आप कितने अच्छे हो, मेरा काम नहीं हुआ, ये सब परफॉर्मेंस पे। लेकिन प्रभु का प्रेम ऐसा नहीं है, प्रभु का प्रेम तुमको जो करना कर, लेकिन मैं तुझसे प्रेम कर। अब आदम क्यों दुखी था, प्रभु है प्रेम, तो प्रभु बन गया लवर, आदम बन गया लवी, तो लवर लवी को देता है, तो लवर ने लवी को पूरा गार्डन दिया, सब कुछ दिया। अब आदम बोलता है मैं अगर आपके रूप में है मुझे भी लवर बनना है, लेकिन लवर बनने के लिए कोई नहीं है, इसीलिए वो दुखी है क्योंकि उसको भी देना है लेकिन देने के लिए कोई नहीं। तब जब उसको प्रभु सुनाता है और जब वो झांकता है और औरत को देखता है पहली बार, वाह क्या, हालेलुया। तो अब वो कौन बन गया, लव, वो कौन बन गई, लव। अभी प्रश्न ये है, हमारे रिश्ते में जब तक एक व्यक्ति लवर है उसके जिंदगी में दुख है ही नहीं। जो एक रिश्ते में लवी बनता है उसके जिंदगी में हर बार दुख ही दुख। अभी सब शांत हो गए, अभी किसी का बात ही नहीं निकल रहा। अभी प्रश्न ये है, मेरे लगन के रिश्ते में क्या मैं लवर हूं, मतलब मेरे का मेरा जो कुछ भी है मैं देना चाहता हूं उसके बदले कुछ लेना नहीं चाहता। ऐसा रिश्ता में हमेशा वो व्यक्ति संतोष से भरा रहता है। और जब वही व्यक्ति लवी बनता है कि मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, और वो जब पूरा नहीं होता है तो आता है दुख, दर्द, गुस्सा और ये सब। इसीलिए शादी में क्या होता है, इधर शादी करने वाले कोई है क्या, किसी ने शादी किया क्या, कोई नहीं है, किसी ने शादी किया है, रंडन कोई नहीं है, तू ने किया है क्या, किसी ने शादी किया है, सभी ने किया है। बड़ोड़ा में क्या बोलता है,
लड़की बोलती है हाँ मैं इसको मेरा हस्बैंड मानती हूँ, अच्छे टाइम में ये मेरा हस्बैंड है, बुरे टाइम में मैं मेरे मम्मी के घर पे है। क्या बोलता है? अगर बाइबल के हिसाब से जो प्रॉमिस है ना मैरिज में, क्या बोलता है? दुख में सुख में साथ हूं, बीमारी और हेल्थ में साथ में हूं, पैसे और कंगाल में भी साथ। इसका मतलब क्या? तुम्हारा जो भी गलत हुआ है फिर भी मैं तेरे साथ हूं, ये हम प्रॉमिस देता है। लेकिन वक्त आता है तभी मैं जा रही हूं मम्मी के पास। सही है, गलत है? लेकिन प्रॉमिस के टर्म क्या बोलता है? आई विल बी अ लवर। शादी होने के बाद हस्बैंड भी लवी, बीवी भी लवी, दो लवी एक घर में रहता है, झगड़ा चालू है, धम्मा धम 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 घंटा 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 है कि मेरे जिंदगी में मैं कौन हूं। सिर्फ लगन में नहीं, हर रिश्ते। अभी मैं यहां पे आया हूं बरोड़ा में, 3 दिन यहां पे खड़ा रहकर प्रीचिंग करूंगा सुबह से रात तक। 9:30 बजे वीनू भाई ने मेरे को 1,00,000 रुपया देने वाला है, 1 नाइट टीचर का। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो 1,00,000 रुपया मेरे को मिलने वाला है रात को, 75,000 दिन में, 1,75,000 प्रेज़ द लॉर्ड एक दिन में। क्या मिलने वाला? हाँ, तो मैं अभी लवर है कि लवी है? लवर है, लेकिन मैं लवी बन के आया है। सोच रहा है ये प्रोग्राम होने के बाद विलियम भाई कुछ तोड़ देगा, विनू भाई कुछ देगा, और जाने के टाइम विलियम भाई बोले ब्रदर भाई 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 तू दिया नहीं, अब मेरे को क्या आया? क्यों मैं लवी बन के आया था? लेकिन मैं अगर लवर बन क्या है, मेरे को कुछ गुस्सा है? अब समझ में आ रहा है? अपने लोग को पूछना है मैं इस जिंदगी में कौन हूं। मुझे हमेशा 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 ईश्वर का लवी बनना है, लेकिन लोगों के बीच में मुझे हमेशा लवर रहना है। लेकिन हमारा उल्टा होता है, प्रभु के साथ हम लवर बनते हैं, लोगों के साथ लवी बनता है। देना देना ए, देना नहीं दिया नाराज हो देना। सब झगड़ा जो हो रहा है अब खुद चेक करो, लवर में होता है कि लवी में होता है? जिधर लवर है दोनों वहां पे कोई झगड़ा नहीं, जहां पे दोनों लवी है वहां पे युद्ध हमेशा है। क्योंकि मेरा इच्छा तुमने पूरा नहीं किया है, वो बोल रही है क्या अच्छा सिखाया रे, मैं तो हमेशा लवर ही देगी। हालेलुया हालेलुया। तो जब दर्द होता है रिश्ते में, इसमें उसमें, उस दर्द का हल किधर है? बाइबल में, बाइबल में जाकर खोजना है। क्योंकि जब तक वो विस्डम हम इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक वो दर्द मिटेगा नहीं। उदाहरण उदाहरण साम्स चैप्टर 1:1 धन्य है वह मनुष्य, धन्य है वो मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, जो दुष्टों की सलाह नहीं मानता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, पापियों के मार्ग पर नहीं चलता, और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, और अधर्म के साथ नहीं बैठता। अच्छा अच्छा अच्छा, एक एक इंग्लिश में लिखा है अनगॉडली पीपल, हु डज नॉट टेक द एडवाइस ऑफ अनगॉडली पीपल। तो ये गॉडली पीपल कौन है? कैथलिक्स। हाँ
Yeah, those who are from Rosary Prayer Group, yes. Praise God. जो Rosary Prayer Group वाले हैं सब godly लोग हैं. मैं godly है या ungodly है कैसे पता चलता है? By actions. जो प्रभु के वचन के अनुसार जीता है वो होता है godly. जो वचन के अनुसार नहीं रहता है वो ungodly. तो जिसको वचन नहीं आता है वो तो जो कोई हमको सलाह देता है, मान लीजिए लड़का और लड़की का कुछ हो गया, सलाह देने वाले बहुत है ना, क्योंकि वो मुफ्त में है ना, बस खोलना नहीं पड़ता है. प्रेज द लॉर्ड. और उस समय बहुत लोग काउंसलिंग भी लेते हैं, एडवाइस भी लेते हैं. और अगर उस समय एडवाइस लिया जो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं था तो क्या वो रिश्ता बनेगा, क्या वो रिश्ता टूटेगा? तो सच बताइए, जब बच्चों के बीच में झगड़ा होने शादी के बाद बच्चों के बीच में कुछ कुतुमें होता है, माता पिता सत्य का एडवाइस देता है कि अपने बेटे का एडवाइस देता है? सच्ची बोलो, बेटे के पक्ष में देता है कि वचन के पक्ष में देता है? तो माता पिता ने बेटे का भविष्य सुधारा कि बैंड बजाया? और बेटा किसका एडवाइस लेता है? कितने लगन टूट गए अपने खुद के माता पिता के एडवाइस से, क्योंकि जो एडवाइस दिया था वो प्रभु के वचन के अनुसार नहीं था, वो लोग ने ले लिया. और प्रभु बोलता है ऐसा व्यक्ति जो लेता है उसके जीवन में आशीर्वाद नहीं. तो अब हमारे जिंदगी में जब कुछ दर्द होता है, किसी भी एरिया में दर्द होता है, तो मुझे किधर जाके देखना है? बाइबल में कुछ ना, टीवी का मैगजीन देखकर, टीवी का कोई फिल्म एक्टर एडवाइस दे रहा है उसका, या कोई टॉक शो का, या कोई नेता का, नहीं, प्रभु के वचन. हालेलुया, हालेलुया. मैं एक दिन फादर लोग को रिट्रीट दे रहा था साउथ में, तमिलनाडु में. तो वो उस रिट्रीट में सब फादर लोग बैठे थे, बिशप भी बैठे थे, और टॉपिक था विश्वास. विश्वास क्या है, विश्वास कैसे उगाना है, विश्वास को कैसे स्टोर करना है, विश्वास को कैसे इस्तेमाल करना है, इसके ऊपर. तो मेरा पहला दिन खत्म हो गया. दूसरा दिन लंच ब्रेक हुआ तो एक फादर मेरे पास आए और बोलने लगे, तू सच्ची बोल, तू कैथलिक है क्या, प्रोटेस्टेंट है? क्योंकि हम लोग सब बैठ के हमारे बीच में डिस्कशन चल रहा है. तो मैंने कहा मैं इसका उत्तर लंच के बाद दूंगा. तो मैं बिशप के साथ बैठा खाना खाने के लिए, और ये बिशप ने मुझे कहा मेरे लिए प्रार्थना करना. तो मैंने कहा किस बात के लिए प्रार्थना? कि जिस दिन मैं मरूंगा लोग मुझे बिशप बोल के याद नहीं रखे, लेकिन लोग मुझे पवित्र इंसान था इसके बारे में याद रखे. क्या वो बोला? मुझे बिशप बोल के याद नहीं रहे, लेकिन मैं एक पवित्र जीवन जिया इसके बारे में याद रहे. बहुत बड़ा बात बोला. तो बिशप को मैंने बोला ना ये लोग ये सब बात कर रहे हैं. लंच खत्म हुआ और मैंने अपना बाइबल लिया और मैंने कहा वचन दो, वचन दो पढ़िए. जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, और दिन रात उसका मनन करता है, वो कैथलिक से प्रोटेस्टेंट बनता है. मैंने ऐसा पढ़ा, मैंने क्या पढ़ा? वापस पढ़िए, वापस पढ़िए. दूसरा वो वचन, वो उसके सदस्य. अरे दूसरा स्टार्टिंग से पढ़िए, दूसरा दूसरा वचन वापस पढ़िए. जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है,
और दिन रात उसका और दिन रात मनन करता है तो वो कैथोलिक से प्रोटेस्टेंट होता है। तो मैंने सब फादर लोग को बोला, उधर ऐसा लिखा है क्या कैथोलिक लोग को दिन रात बाइबल के बारे में नहीं सोचना, मनन नहीं करना? जैसे ही कोई बाइबल को उठाता है अपने हाथ में तो तुरंत पूछता है ये बिलीवर है, लिखा है क्या लिखा है उसके बाद? वो उस ब्रश के जैसा है जो जल स्रोत के पास लगाया गया, हाँ, जो समय पर फल देता है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो मनुष्य जो भी करता है सफल होता है। कौन? जो हृदय से वचन को चाहता है, हृदय से दिन रात मनन करता है, वो अपने समय पर फल देता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। जो पेड़ रहता ना उसके पत्ते पेड़ के लिए रहते हैं, फल दूसरों के लिए रहता है, और पत्ते रोज पेड़ के लिए अनाज तैयार करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? जो प्रभु के शब्द के अनुसार जीता है, उसको हृदय से चाहता है, उसको रात दिन उसका मनन करता है, ऐसे व्यक्ति में रोज प्रभु महान कार्य करता है। और ये जो आशीर्वाद है वो उसके खुद के लिए, पत्ते सिर्फ पेड़ के लिए रहते हैं, दूसरों के लिए नहीं, लेकिन फल हमेशा दूसरों के लिए रहते हैं। और ये फल हर रोज नहीं होता है, अपने समय पर होता है। और वो व्यक्ति अभी जो कुछ भी करता है उसमें उसको सफलता मिलती है। तो सबको सफलता मिलती है? नहीं। सबके पत्ते मुरझाते नहीं है? नहीं। क्या सबको फल समय पर आता है? नहीं। किन लोगों का आता है? जो इस वचन पर हृदय से मनन करते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मेरे जिंदगी में कुछ दर्द है और उस दर्द को समय मैं इस वचन को लेकर दिन रात मनन करता हूँ, दिन रात उसके अनुसार जीता हूँ, दिन रात उस वचन को चाहता हूँ, तो प्रभु बोलता है ये दर्द सिर्फ मिटेगा नहीं, लेकिन आप ऐसा पेड़ बनोगे कि आपके फल खाकर दूसरे लोगों का जिंदगी बदल जाएगा। मैं सवेरे से बात कर रहा हूँ, मेरे चेहरे पे कोई थकावट दिख रहा है? आज रात को मालूम नहीं मीनू भाई कितना बजे तक रुकने वाले, सवेरे तक। कल मैं वापस आ जाऊंगा इधर खड़ा रहने के लिए रात तक, लेकिन मेरे अंदर कोई थकावट नहीं रही। क्यों नहीं रही? क्योंकि वो वचन ताकत देता है। आवाज कम हो गया? नहीं। कुछ कम हो गया? क्यों नहीं? वो शब्द में है शक्ति, दिन रात शब्द 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 वो दिन रात शब्द ताकत देता है। यार अभी कितने लोग चंगे हो गए, एक तो बोलते अरे सच्ची में गया, एक तो ऐसे नाचने लगी, आपका कितना 33 साल के बाद अपने अपने आपके पैर को छुआ, कितना 33 साल 35 साल के बाद आज पहली बार वो झुकी, और जब चंगाई हुई वो एक मिनट भी नहीं लगा। चंगाई क्यों होती है? उनके वचन से, मेरे से नहीं, वो जो वचन अंदर है ना वो काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो अगर मेरे जिंदगी में कुछ दर्द है मुझे किधर भागना है? सबसे पहले मम्मी के पास। वेरी गुड। किधर भागना है? हम किधर भागते हैं? सब जगह पे भागते हैं। बोला है ना एक जन ने, बोल कोई हमने सुना है ना, जब सब दरवाजा बंद होता है खुदा का दरवाजा खुलता है। झूठ है, खुदा का दरवाजा हमेशा खुला है। पहले उधर पर दूसरे जगह पे भागने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जब सब दरवाजा बंद हो गया खुदे के पास भागते तब तक लेट हो गया यार, एक पैर कब्र में घुस गया। सही है। थैंक यू जीसस। किसी की जिंदगी में कुछ दर्द है आज प्रभु बोल रहा है,
बाइबल में खोजो। उसके नियम को रात दिन मनन करो। सिर्फ दर्द निकलेगा ही नहीं, आप ऐसे पेड़ बनोगे जो दूसरों लोग जो दर्द में हैं उनको आप उनके हृदय को आप यू विल मेंट ब्रोकन हार्ट्स व्हाट यू से यू विल कंफर्ट यू विल ब्रिंग अ कन्वर्शन इन देयर लाइफ। Hallelujah. 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 What's the second point you wrote up? Do not lean on. We do not lean on people, but on the arms of God. Praise God. Abhi, Joseph ke zindagi mein उसने कोई गलती की थी, लेकिन उसके उसके विरुद्ध अत्याचार हुआ। पहले अपने भाइयों से, फिर कुछ उसका जिंदगी अच्छा हो गया, मैनेजर हो गया मालिक के घर पे। वहां पर उसकी बीवी ने उसके ऊपर आक्रमण किया और वो उसने पाप में नहीं गिरा और उस मालिक के बीवी ने उस पर क्या आरोप लगाया कि ये मेरा बदन छूने आया था और इसके लिए उसको जेल में डाला। लेकिन उस समय क्या प्रभु क्या जोसेफ ने अपना मुंह खोला? क्यों नहीं खोला? क्यों नहीं खोला? उसने कुछ किया तो नहीं था, लेकिन जब उसके मालिक के सामने भी मुंह खोला, उसने वो आरोप स्वीकार किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने मालिक से इतना प्रेम करता था कि वो मुंह खोलेगा तो उसकी बीवी का बदनामी होगा, वो बदनामी उसने खुद पर ले लिया। क्या प्रभु यीशु हमारा ब्राइड ग्रूम है? क्या बोलते हैं ब्राइड ग्रूम? दूल्हा, और हम उसकी दुल्हन है। तो उस मालिक की दुल्हन के विरुद्ध उसने मुंह नहीं खोला। हम लोग प्रभु के दुल्हन के विरुद्ध मुंह खोलते हैं? हेलो, खोलते हैं? हेलो, हम लोग खोलते हैं? प्रभु के दुल्हन कौन है? सब विश्वासी हो। क्या जोसेफ ने मुंह खोला? नहीं। तो जितना वो विश्वास करते गया उसका अच्छा हुआ कि सब बुरा बुरा होते गया? अच्छा हो गया, गुलामी में बिक गया वो अच्छा है, जेल में जाना अच्छा है? हाँ, किसका? गुलामी में बिकना अच्छा है? मैं ये बोल रहा हूँ उसके जिंदगी में जब शुरुआत हुआ कुछ अच्छा ही दिख रहा था, लेकिन जब अच्छा ही नहीं हो रहा था क्या वो प्रभु को ठुकराया? अपने मुंह से एक भी गलत शब्द बोला? लेकिन ये सब चीज में क्या उसका ध्यान फिर भी प्रभु पे था? जब हम विश्वास करते हैं और विश्वास कर जितना हम प्रार्थना करते हैं, जितना अच्छा कार्य करते हैं, सब कुछ उल्टा होता है। तब उल्टा होता है तभी क्या होता है? गुस्सा आता है। ओपन टू 1 Peter 2:18। जो दास है वह न केवल अच्छे और सहृदय स्वामियों की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदर पूर्वक स्वीकार करे। कितना फास्ट पढ़ रही है मेरी बहन। जो दास है वह न केवल अच्छे और सदस्य स्वामी की बल्कि कठोर स्वामियों की भी अधीनता आदर पूर्वक स्वीकार न करे। तो कौन सा मालिक? अच्छे भी और जो कठिन वाला है उसके क्या करना है? आदर करो और स्वीकार करो। तो आप जो कोई ऑफिस में काम कर रहा है, आपका बॉस बहुत भयंकर है, तो आपको क्या करना है?
इसके बाद कारण कारण यदि कोई व्यक्ति यदि वो व्यक्ति धैर्य से दुख भोगता धैर्य से दुख भोगता और अन्याय सहता है और अन्याय अन्याय सहता है हाँ क्योंकि वो समझता है कि ईश्वर यही चाहता है तो ईश्वर यही चाहता है तो वो पुण्य का काम करता है। सब लोग को पढ़ना फाड़ दो वापस पढ़ना मेरी बहन जस्ट रीड इट इन इंग्लिश सिस्टर कोरी रीड इट इन इंग्लिश 19 यदि अच्छी For it is credit to you if being aware of God, you endure pain while suffering unjustly. Praise the Lord. Hallelujah. आपके पास बचत खाता है बैंक का बचत खाता आपको उस अकाउंट में क्रेडिट बैलेंस अच्छा लगता है कि डेबिट बैलेंस अच्छा लगता है ब्रदर यू लाइक क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस क्रेडिट और यहां पे क्या लिखा है आपके क्रेडिट में है अगर आप प्रभु के ऊपर ध्यान देते हुए अन्याय सहते हो तो वो आपके क्रेडिट में आता है रीड दैट अगेन प्लीज इन इंग्लिश फॉर इट इज क्रेडिट टू यू इफ बींग अवेयर ऑफ गॉड बींग कॉन्शियस ऑफ गॉड यू एंड योर नोको पेन नहीं मांगता है पेन नहीं मिलता है तो क्रेडिट नहीं मिलता है ये भाई रात को जाने के टाइम में ये टॉपिक क्यों लेता है यार पूरा दिन अच्छा था जाने के टाइम ऐसा टॉपिक देता है हालेलुया विद कॉन्शियस ऑफ गॉड If he endures pain, then while suffering justly. तो जब जब आपके ऊपर अत्याचार होता है और आप अपना ध्यान प्रभु पर रखकर उसको सहते हो तो प्रभु बोलता है आपका क्रेडिट अकाउंट बहुत जोर से बढ़ रहा है कितने लोगों ने खाता ही बंद कर दिया कैसे खाता बंद कर दिया मेरे पर अत्याचार कर रहा है देखता हूं शाम को मिलना देखूंगा अकाउंट बंद लेकिन जिस पर अत्याचार हुआ वो उसको सहता है वो उस व्यक्ति से प्रेम करता है प्रभु बोलता है वो ऐसे ऐसे में आपका क्रेडिट बढ़ता है लिखा है हेलो लिखा है क्रेडिट बढ़ाने के लिए प्रभु ने कई लोगों को आपके जिंदगी में डाला है हेलो डाला है उनके लिए प्रार्थना की है ट्रांसफर का तो क्रेडिट बढ़ेगा कि घटेगा ट्रांसफर होगा तो बढ़ेगा मदर इन लॉ सता रही है क्रेडिट बढ़ेगा कि घटेगा डॉक्टर इन लॉ सता रही है क्रेडिट बढ़ेगा कि घटेगा इसीलिए जब हमको दर्द होता है और हम बाइबल खोजते हैं और बाइबल में जॉब देखते हैं
तब ना झुकते हैं कि प्रभु मुझे ये तो मालूम ही नहीं था, मेरे पर जब कोई अत्याचार करता है और वो अत्याचार में सहता हूँ शांत होकर और उनको अच्छा सोचता हूँ, उनके लिए प्रार्थना करता हूँ, मेरे जीवन में इतना क्रेडिट बढ़ता है कि उसका इफेक्ट मेरे पर नहीं मेरे पीढ़ी के पीढ़ी पर होता है। तो अगर मेरी सास मुझे सता रही है तो मैं जाके नाचूंगा, क्यों? क्योंकि मेरा क्रेडिट अकाउंट बहुत बढ़ रहा है, अब मैं मेरे भावना पर चल रहा हूं कि वचन पर चल रहा हूं। तो अब मैं उस वचन को दिन रात मनन कर रहा हूं कि भावना पर मनन कर रहा हूं? लेकिन क्या उस समय मेरी भावना नेगेटिव हो सकती है? अवश्य हो सकती है। लेकिन क्या मेरा निर्णय भावना पर होगा कि वचनों पर होगा? आज जिसका वचन पर है प्रभु उसको कहता है तेरा क्रेडिट अकाउंट बहुत ऊंचा होने वाला है। तो आप सोचिए, हमारे क्रिश्चियन जिंदगी में टेस्ट पास करना है कि प्रार्थना से क्रेडिट अकाउंट बढ़ता है? तो हमारा मोस्टली ध्यान किधर रहता है? मेरे लिए प्रार्थना करना। कितने लोग ऐसे बोलते हैं मेरे लिए प्रार्थना करना कि मैं टेस्ट पास करूं? आप मुझे बताइए, जिस दिन से पवित्र आत्मा उस शिष्यों पर आया, एक जगह पे उन लोगों ने प्रार्थना किया, हे प्रभु मुझे इस समस्या से बाहर निकाल, एक ही जगह पे बताइए। लेकिन उनकी प्रार्थना की थी, उनकी प्रार्थना ये थी, प्रभु दर्द हो रहा है लेकिन हमको शक्ति दो इस समस्या का हम सामना करें और उस पर विजय प्राप्त करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारे दिमाग में ये अत्याचार हुआ मतलब गलत हुआ, बाइबल में लिखा अगर क्रिश्चियन है अत्याचार होना ही है, ये हमारा बर्थराइट है। और ये अगर हमने हमारे दिमाग में डाल दिया कि ये तो मुझे सामना करना ही है, अगर मैं बोलता मैं प्रभु का शिष्य है तो अत्याचार होना ही है, पार्शियलिटी होना ही है, प्रोसिक्यूशन होना ही है, ये सब उल्टा होना ही है, और इसमें मुझे प्रभु पर ध्यान देते हुए सेना है। और जब ये होता है प्रभु बोलता है तुम्हारे जीवन में फल उसके उत्पन्न होते हैं, उसकी शक्ति उत्पन्न होती है और हमारा क्रेडिट अकाउंट बढ़ता है। थैंक यू जीसस। बंद करेंगे, बंद करेंगे, आप लोग इतना दुखी हो गए, बंद करेंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रभु को, क्योंकि मेरे को जो फटका मार मार के सिखाए ना, मैं बहुत अच्छे से सीख गया। अभी जब भी पंचिंग होता है तो पंचिंग का स्टार्ट हो गया तो पता चलता है अपना कुछ तो अच्छा होता है। देखिए बैंगलोर में ना, बैंगलोर के लोगों को पूछेगा ना, वो लोग ऐसे देखेगा बोले आज बारिश गिर रही है, कैसे मान लो वो लोग आज बारिश गिर रहा है, धूप ज़्यादा होएगा ना, हवा चलेगा, धूप होएगा, गर्म होएगा, तो लोग बोलेंगे बारिश गिर रहा है। और बैंगलोर में बारिश कभी भी गिरता है, लेकिन वो लोग को मालूम है अभी आधा घंटे में गिरने आता है, क्यों? जो वातावरण देखता है ना उससे मालूम पड़ता है। उसी तरह मेरे जिंदगी में मैंने कुछ गलत नहीं किया, मेरे पर अत्याचार हो रहा है, मतलब मेरा आशीर्वाद का अभी बहुत निकट है, बारिश गिरने वाला है भाई, लेकिन मेरे को इसमें पास होना है। तो हम लोग ये अत्याचार सहते हैं कि उसके विरुद्ध करते हैं? और सहते हैं तो हम हमेशा प्रभु के राज्य में मान कार्य होता है, नहीं तो हमारी जिंदगी कुछ काम कर। और आप जो भी बाइबल में जो भी हीरो लिखा है, जिनका जिसका जिसका नाम लिखा है, उनके हम जीवन में एक बहुत कॉमन है, उनके विरुद्ध अत्याचार हुआ, उनको मारा गया, उनका से उनका उनको कत्ल किया गया, लेकिन उनके जिंदगी में वो लोग ने वो पूरा सहा। Can I put one song? I like this song. This is my favorite song. ये गाना है, इसकी बोल है, I have decided. आपको ये गाना मालूम है? इसकी स्टोरी मालूम है? इस गाने की स्टोरी मालूम है?
here? एक मिशनरी था ना वो एक मिशनरी था 200 साल पहले इंग्लैंड में पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ और ये व्यक्ति को जब पवित्र आत्मा का अभिषेक हुआ उसने फैसला किया बाहर जाकर बाइबल प्रभु यीशु का प्रवचन करने और ऐसे घूमते 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 वो आसाम में पहुंच गया 200 साल पहले और वो ऐसी एक ट्राइब में गया जहां पर लगन करने के लिए अगर एक लड़के को लगन करना है तो उसको उतना अपने ट्राइब को छोड़कर दूसरे ट्राइब में जाकर उनका गला काट कर लाकर अपने वरांडा में लटकाना है जिस युवक ने ज्यादा सर लटका है उस युवक को लड़की मिलती है लगन में तो आप समझ सकते हो ट्राइब में क्या लफड़ा हो रहा है ऐसे ट्राइब में ये मिशनरी जाके एक इंसान को प्रभु यीशु के बारे में बोलने लगा उसने प्रवचन किया और वो चले गए इस आदमी की बीवी और दो बेटों ने प्रभु यीशु को अपनाया धीरे धीरे वो लोग ने अपने ट्राइब में दूसरों को प्रभु यीशु का प्रवचन किया और दूसरे लोगों ने भी धीरे धीरे प्रभु यीशु को अपनाया तो जो मुखिया था उसको एक दिन पता चला कि ये सब हो रहा है तो उसने सारे उसके गांव के लोगों को बुलाया और इस परिवार को बुलाया और गांव के बीच के जगह पर उनको खड़ा कर दिया और उनको कहा मैं तुमको एक मौका देता हूं अपने विश्वास को त्याग करना जब उस मुखिया ने कहा कि तुमको तुम्हारे विश्वास को त्याग करना है इस आदमी को पता नहीं चला क्या बात करने का उस समय उसको ये बोल याद आए जो उसने लिखा था जब उसका प्रभु यीशु के साथ मुलाकात हुआ पवित्र आत्मा से भरकर उसने ये बोल लिखे थे आई हैव डिसाइडेड To follow Jesus. मैंने ये निर्णय लिया है मैं प्रभु यीशु का पीछा करूंगा कभी नहीं मोड़ूंगा कभी नहीं मोड़ूंगा जब वो ये गीत गाने लगा मुखिया ने ऑर्डर दिया जो लोग उधर खड़े थे वो लोग ने क्या बोलते हो बांध 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 से दोनों बेटे को खत्म कर दिया माँ अपने आंखों से देख सकती है पिता अपने आंखों से देख सकते हैं दोनों बेटे मर गए फिर उस मुखिया ने कहा मैं तुझे और एक चांस देता हूं अपने विश्वास को त्याग कर तब उसने कहा और अगर तुम नहीं त्यागोगे तो तुम्हारी बीवी का भी यही हालत होगा तब उसने ये गाया तो नन गो विथ मी आई विल स्टिल फॉलो भले कोई मेरे साथ नहीं आएगा लेकिन फिर भी प्रभु मैं तुम्हारे साथ आऊंगा भले कोई मेरे साथ नहीं आएगा लेकिन प्रभु यीशु मैं तेरे साथ चलूंगा नो टर्निंग बैक मैं पीछे नहीं मोड़ूंगा मैं पीछे नहीं मोड़ूंगा उसकी बीवी को भी बांध से मारा गया अब उस मुखिया ने कहा तेरे को मैं लास्ट चांस देता हूं तेरे बच्चे मर गए तेरी बीवी मर गई अब तेरा वक्त है उस समय उसने गाया द क्रॉस बिफोर मी द वर्ल्ड बिहाइंड प्रभु का क्रूस मेरे सामने और ये संसार मेरे पीछे मैं नहीं मुड़ूंगा मैं नहीं मुड़ूंगा जब वो गीत गा रहा था मुखिया ने उसे भी मार दिया सारे गांव के लोगों ने देखा कि परिवार समाप्त हो गया सब लोग शांत थे अपने अपने घर निकल गए तो ऐसा दिख रहा था कि शैतान जीत गया क्योंकि उस परिवार को मार दिया गया वो परिवार एक ही था जिसको
प्रभु यीशु के बारे में मालूम था। लेकिन उस दिन जब उनको मारा गया, उस समय विश्वास का बीज बोया गया। कुछ हफ्तों के बाद ये मुखिया सोचने पे बैठा, ये ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कितने हजारों मील दूर देश में पैदा हुआ, 2000 साल पहले पैदा हुआ है, और ये परिवार उस पर विश्वास करता है। इनको मौत से भी डरने लगता है, इनके बच्चों में कोई डर नहीं है, उनके बीवी में कोई डर नहीं है, वो उसके पिता में कोई डर नहीं है। ये कौन सा विश्वास है, ये कौन सा विश्वास है? और सोचते सोचते कुछ हफ्तों के बाद उसने फिर अपने गांव वाले को बुलाया और सबके सामने उसने ऐलान किया कि मैं अब प्रभु यीशु में विश्वास करता हूं, क्योंकि ये परिवार में जो है मैं मुखिया होकर भी मेरे में नहीं। जैसे उसने ये स्वीकार किया, सारे गांव वाले ने स्वीकार कर दिया और वो पूरा ट्राइब क्रिश्चियन हो गया। और वहां से ये क्रिश्चियनिटी नॉर्थ ईस्ट में फैलते गया, क्योंकि एक परिवार ने फैसला किया हम मरने तैयार है लेकिन हम हमारा पीछा प्रभु के विरुद्ध नहीं जाने वाले। ये वो गीत है, ये गीत मेरा बहुत फेवरेट है, जब गाएंगे। और ये गाना है तो गीत के रूप में नहीं गाना, ये हमारे प्रार्थना के रूप में गाना, कि ये मेरी प्रार्थना है प्रभु, मैं पीछे नहीं हटूंगा, बिल्कुल पीछे नहीं हटूंगा। और अगर ये गीत कोई रोज का गाता है, मैं आपको ये बता दूं, ये गीत अगर एक व्यक्ति रोज गाता है उसके अंदर ऐसा हिम्मत आता है कि जब उसके सामने प्रेशर आता है, उसके सामने एक तूफान आता है, वो उस समय हटेगा नहीं। क्यों? क्योंकि वो शब्द उसको एक कॉन्क्रीट के जैसा बना है। इस गीत को रोज गाना है प्रार्थना के रूप में, इतना कि जब भी कोई विचार आता है उस विचार को बोलना है, मैं तेरा पीछा नहीं करूंगा, मैं सिर्फ प्रभु यीशु का पीछा करूंगा। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू जीसस। Story of a small village in India. And in this village, there was this family that came to a saving faith in Jesus Christ as Savior and Lord. This agitated the village so much, and everybody became so upset that an angry mob gathered and shoved them into the public square. The village chief confronted them and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The village chief confronted them and he said to the man, "If you and your family will not recant your faith, you all will surely die. If you and your family will not recant your faith, close the eyes. You all will surely die. If you and your family will not recant your faith, you all will surely die. If you and your family will not recant your faith, you all will surely die." The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of the song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. The man didn't know what to say or what to do. And so the only thing that came to mind for him were the words of the song that he himself had composed when he had first surrendered his life to God. And so he began to sing, "I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back." And with that, horrifically, his children were killed. "I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back." And with that, horrifically, his children were killed. And with that, horrifically, his children were killed.
horrifically. His children were killed. I have decided, everybody, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. This time with his wife's life on the line. And yet he continued to say, though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. He was given another chance, this time with his wife's life on the line. And yet he continued to say, though none go with me, still I will follow. No turning back. No turning back. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. Though none go with me, still I will follow. No. And yet he continued to sing. Because before
planted in the heart of that village chief. A seed was planted in the heart of that village chief. A seed was planted in the heart of that village chief. A seed was planted in the heart of that village chief. A seed was planted in the heart of that village chief. A seed was planted in the heart of that village chief. Time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. Something remarkable happened. A seed was planted in the heart of that village chief. A seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. A seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. A seed that began to grow, 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 a seed that began to grow over time. Eventually, he called the community together in that very same neighborhood, in that very same square. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And he renounced his former faith. And he renounced his former faith. And he renounced his former faith. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And he renounced his former faith and declared his allegiance to Jesus Christ. And declared his allegiance to Jesus Christ. And declared his allegiance to Jesus Christ. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. And a celebration broke out in that moment, and the gospel began to flourish and to grow in that community, not just in that village, but across the whole region. Because they had seen real faith, and they knew the true character of God. They had seen real faith, and they knew the true character of God. They had seen real faith, and they knew the true character of God. Because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. They had seen real faith, and they knew the true character of God because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. Because of a family that believed and sacrificed, even under the penalty of death. Of death.
It was not dying to their flesh, it was dying to their whole life. Because they believed in the sacrifice of their life for Jesus. And those who go through pressures in life and are willing to take that pressure and sacrifice their life for Christ by obeying God's word, they are the ones who experience Jesus in their life. Praise the Lord. Was it easy? Were they Christians? The family that died? They were the real Christians, not a duplicate one. What happens with us when we get into pressure? Do we obey God's word? Or do we quickly get discouraged? So what kind of Christians are we? And a real spiritual life, a real Christianhood is, how much am I willing to take the pressure? How much am I willing to endure unjust suffering? How much am I ready to endure insult and abuse and false accusation and persecution and opposition? And a person who is willing to do that experiences the hand of God on his life, every day of life. And that's Christian. Christian is not a person who knows the Bible. Christian is not a person who knows to pray, praise and sing songs. Christian is the one who knows to endure pressures of life. Praise the Lord. Come on, let's give the Lord a big hand of praise. Hallelujah. Hallelujah. There are so many teachings, hundreds of teachings on the website. You can go to jcilm.info, the website jcilm.info, and go to retreat teachings download. There are CDs, there are teachings, amazing teachings you can download. And if you want to see it on video, go to the YouTube, type jcilm.info or jcilm. There are thousands of videos over there which we have uploaded. It's absolutely free. Download is free, the CDs are free, everything is free. Get this teachings in you, apply it in your life, be blessed and be a blessing to others. Thank you.